तो दोस्तों आज मैं आपको ये टॉयलेट ब्रश से होने वाले शनि और राहु के उपाय के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप शनि और राहु के मिल रहे विपरीत प्रभावों को सही कर सकते हो मात्र एक छोटे से उपाय से। तो ये उपाय है तो बहुत ही साधारण और हर एक घर में यूज़ होते हैं इस तरह से ब्रश, और क्यों ये आपके शनि और राहु के मिल रहे विपरीत प्रभाव जैसे कि किसी भी तरह की परेशानियां, जीवन में झंझट, बीमारी, धन नुकसान या एक्सीडेंट या किसी भी तरह से दशा अंतरदशा या फिर राहु या शनि की कुंडली में गलत उपस्थिति आपके जीवन में ला रही है परेशानी, तो ये ब्रश आपके जीवन में उन सब परेशानियों को दूर हटाने में आपकी मदद करेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं शनि और राहु का ही क्यों कॉम्बिनेशन में उपाय किया जा रहा है, ये समझिए। हम डायरेक्ट राहु का उपाय भी कर सकते थे या डायरेक्ट शनि का भी उपाय कर सकते थे, पर इतना समझिए अगर जीवन में कोई परेशानी मिलती है तो वो राहु के द्वारा मिलती है, चाहे वो परेशानी आपके जीवन में शनि की ही क्यों ना हो। चाहे आप शनि की साढ़े सती में हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे शनि की दशा चल रही है या राहु की ही दशा चल रही है, तो दोनों का काम, शनि का भी काम राहु करेगा और राहु खुद का भी काम खुद ही करेगा। यानी कि आपके जीवन में अच्छे या बुरे असर दोनों ग्रहों के मिलकर राहु के द्वारा ही दिए जाएंगे। हम उपाय करते फिरते हैं शनि के उपाय करने से कोई इसमें लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों तरह के उपाय करने पड़ेंगे। क्यों दोनों तरह के उपाय करने पड़ेंगे? ये काम, ये जो ब्रश का काम है, ये टॉयलेट साफ करने का काम है, यानी कि पखाने को साफ करने का उपाय है। क्यों ये उपाय हम कर रहे हैं ये समझिए। जो भी सफाई कर्मचारी हैं ये सब राहु से देखे जाते हैं, और जो भी निम्न स्तर का काम होता है, लो कैडर का काम होता है, ये सब शनि से देखा जाता है। जब आप चाहे जितने मर्जी बड़े बन जाओ, शनि और राहु अगर परेशानी देने पे आ गए तो आपको इस तरह नहीं, आपको इस तरह बना देंगे, यानी कि झुका हुआ। अगर आप झुक गए तो आप इन परेशानियों से बच सकते हो। क्यों, कैसे? अगर मान लीजिए आपके घर में कोई सर्वेंट ही है, आप सभी काम सर्वेंट से करवा रहे हो और आप चाहे बड़े बड़े कुछ भी उपाय करते रहो, आपके उपाय नहीं लगेंगे, आपको वो परेशानियां ही देंगे। क्यों? क्योंकि आप एक तरफ तो बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान और हवन कर रहे हो और दूसरी तरफ आप अपने घर में ही शनि के जो विपरीत प्रभाव लेने के ये काम कर रहे हो। यानी कि शनि का कर्म क्या है, शनि क्या करवाना चाहते हैं? शनि आपसे ये करवाना चाहते हैं कि आप डाउन टू अर्थ रहें और लोअर कैडर, लो तबके, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी आप सहायता करें, उन्हें आप परेशान ना करें, जितना ज़रूरत है उतना करिए। अगर आप इनके काम से संबंधित अपने जीवन में कुछ भी दिनचर्या अपना लेते हो तो शनि के साथ साथ राहु दोनों के दोनों शुभ हो जाते हैं। आपके घर का टॉयलेट है, आप एक दिन कोई भी, चाहे शनिवार हो चाहे बुधवार हो, कोई भी एक दिन फिक्स कर लीजिए कि आपको अपने हाथ से टॉयलेट बाथरूम की क्लीनिंग करनी है, करिए, देखिए कितने जल्दी आपको शनि और राहु के अच्छे असर मिलेंगे। और दूसरी तरफ वो काम है जो आपकी गाड़ी धोने से संबंधित है, आपके ऑफिस को टेबल को साफ करने से संबंधित है, आपके कुछ भी पर्सनल काम, चाहे आप बाबूजी हो चाहे आप कुछ भी हो, आपको एक तरह से एक मिनट की या दो मिनट के लिए आपको नौकर की भांति अपने जीवन को बनाना पड़ेगा। अगर आप बना लोगे तो अपने जीवन में आप देखिए कभी भी परेशान नहीं होगे। आपने बहुत से लोग देखे होंगे बहुत अच्छी अच्छी पदवी पर पहुंचे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कहीं पर रैंक ऑफिसर लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत उनके जीवन में आ गई, कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी फॉल्स इंक्वायरीज हो गई, कहीं बेमतलब के कानूनी झंझट में पड़ गए या फिर घर परिवार में कोई परेशानी आ गई, अगर नहीं तो खुद के ही शरीर में कोई ऐसी गंभीर बीमारी लग गई कि सब किया का धरा, सब बेकार हो गया। अब ये सब परेशानियां आपको उपाय के तहत, जरूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों का काम करें, आप सिर्फ छोटे छोटे काम कर लीजिए, आपको देखिए एक रुपए का खर्चा नहीं है। हाँ, ब्रश खरीदने में खर्चा हो सकता है, अब ये तो आपके अपने घर का है। अब देखिए मैं कोई यूज़ किया हुआ ब्रश नहीं लेकर आया हूँ, मैं नया ब्रश आज सुबह गली में हमारे बेचने वाला आया तो मैंने देखा ये ब्रश, तो मैंने ब्रश उससे ख़रीद लिया और आपको बताने के लिए न्यू ब्रश लेकर मैं आ गया। अब फिर इसके बाद मैं भी इस्तेमाल करूँगा अपने टॉयलेट को साफ करने के लिए, क्यों इसमें शर्म क्या है? जब अपनी धो सकते हो तो अपनी टॉयलेट सीट को नहीं धो सकते हो क्या?
कभी इतनी शर्म नहीं करनी चाहिए। बचपन में तो धो भी नहीं पाते थे, माँ धोती थी, भाई धोता था, कोई घर का धोता, तो आज इतने बड़े हो गए हो कि अपने टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए आपको इतना सोचना पड़ता है। कभी मत, ये थोड़ा त्याग दीजिए, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, क्योंकि शनि कभी भी किसी को ऐसे नहीं देखना चाहते, वो हमेशा शनि व्यक्ति को इस तरह से झुका हुआ देखना चाहते हैं, और वो झुकाव अपने जीवन में समय समय पर परिस्थिति के अनुसार लेकर आना चाहिए आपको। अब ये परिस्थिति के अनुसार झुकाव कहाँ आता है, मान लीजिए आप ऑफिस में आए, आप अपने कर्मचारी को बोलते हैं, हे भाई इधर आ, इधर आ, ये कपड़ा मार, ये साफ़ कर, आपने उसको परेशान कर दिया किसी भी तरीके से। मान लीजिए वो नहीं करता था, आप उसको किसी हेल्दी वे में आप उसे बोलकर ये काम करवा सकते थे, इधर आ यार, कल से तुझे चाय मैं पिलाऊंगा, मेरा टेबल बिल्कुल चकाचक होना चाहिए, चला चाय पिलाते हैं तुझे, चाय पिला दिया आपने, वो खुश हो गया, उसके अंदर ये भावना नहीं रही कि ये जो है मेरे ऊपर रौब जमाते हैं या किसी तरह से मुझे दबाने की कोशिश करते हैं, अब वो खुश होकर आपका काम करेगा और आपकी इज्जत भी करेगा। आपने देखिए, डर से कुछ नहीं होता, इज्जत कराना होता, और जब किसी के दिल में प्यार जागता है, आपके प्रति एक ईमानदारी और आपके प्रति एक इज्जत जागती है, वहीं पर ही आपके ग्रह शुभ होने शुरू हो जाते हैं। एक लिमिट में करिए, हर समय हाथ खुला भी नहीं रखा जाता है, यानी कि हर समय हाथ खुला ना रखें, कभी कभी मुट्ठी बंद भी करनी पड़ती है। समय के अनुसार आप टाइट भी होइए, नरम भी पड़िए, उसका ख्याल भी रखिए, और जो काम खुद से कर सकते हो वो खुद से करिए, जैसे गाड़ी धोना, टॉयलेट साफ़ करना, झाड़ू करना, पोछा करना, आप कुछ भी, अपने ऑफिस में जाते हो तो अपने टेबल को साफ़ कर लीजिए, कुछ भी इस तरह के काम करिए। तो इतने छोटे छोटे से कारण हैं जो कि आपके जीवन में उपाय के तहत आते हैं, आप उनको उपाय के तहत लीजिए और देखिए किस तरह से यहाँ पर आपने शनि के फल जो हैं वो शुभ कर लिए, राहु के फल वो शुभ कर लिए। कैसे कर लिए, क्योंकि शनि के जो भी बुरे प्रभाव हैं वो राहु के ज़रिए आते हैं, राहु शनि के एजेंट हैं। अब राहु एजेंट हैं, राहु और केतु एजेंट माने जाते हैं, शनि अगर न्याय करता है तो उस न्याय का जो फल होगा, जो प्रक्रिया होगी, जो पनिशमेंट होगी, वो राहु केतु के द्वारा दी जाती है। अब केतु तो अपने हिसाब से चलते नहीं, तो कुल मिला के चलने वाले हुए राहु ही हैं। जैसे राहु चलेंगे वैसे केतु को चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर राहु सिर है तो केतु पूंछ है सांप की। इसी तरीके से आप समझ लीजिए, जहाँ जहाँ सांप मूव करेगा वहाँ वहाँ पूंछ अपने आप जाएगी। तो ये कुछ लॉजिक्स होते हैं जिनके अनुसार हमें ये समझना चाहिए। कई बार हम ये समझते हैं कि हमने ये काम सही किया, पर असल में वो काम गलत होता है। किसी को सताना, किसी का पैसा मार लेना, बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, ये सोचते हैं कि हमने पैसा मार के अपने आप को बहुत ही मतलब महान सिद्ध कर लिया, हम अपने आप में हम बहुत बड़े हो गए, किसी की मेहनताना मार लिया, किसी का पैसा मार लिया, किसी मजदूर को पैसा नहीं दिया। आप बहुत सी जगहों पर तो पैसा लुटा देते हो, पर जहां पर देना चाहिए वहां पर आप मोल भाव कर लेते हो। किसी रेडी फड़े वाले को आप मान लीजिए, कोई रिक्शे वाला ही है, कोई कुछ है, कहीं पर आपने कोई सामान ढोया है, कुछ है, वो बोलता है बाबूजी इतना लगेगा, तो आप कहते हो नहीं इतना नहीं, इतना देंगे, इतना नहीं, इतना देंगे, इतना नहीं, ये नहीं, ये नहीं, फिर वहाँ पर आपकी जो एक वो ममता होती है, एक वो जो आपका एक थोड़ा सा धैर्य होता है, वो कहीं ना कहीं जवाब दे जाता है। आप उसका जो मेहनताना है उसमें कटिंग करना शुरू कर देते हो, अपनी जेब से खुश होकर भी पैसा नहीं देते हो आप उसको, कम से कम 10-20 रुपये अपनी जेब से ही दे दीजिए, दान समझ के दे दीजिए, कुछ तो करिए। देखिए एक ये छोटे छोटे से काम है, ये पुण्य के रूप में आपके बैंक बैलेंस के रूप में जमा हो रहे हैं, कभी ना कभी आपके जीवन में बहुत एक ऐसे समय आते हैं जहां पर यही पुण्य कर्म आपके सामने खड़े होते हैं, और पाप कर्म तो हमेशा ही खड़े रहते हैं। पुण्य कर्मों की दीवार को बड़ा करिए, पाप की दीवार को छोटा ही रहने दीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी, और मुझे ज़रूर आप ये कमेंट में बताएंगे कि आप कितने लोगों ने ये काम शुरू किया और आपको कितनी मानसिक शांति मिली, कितनी आपको जीवन में पॉजिटिविटी महसूस होना शुरू होगी। जिन लोगों को डिप्रेशन है, टेंशन है, किसी तरह से राहु की दशा है, शनि की दशा है, साढ़े सती है, राहु या शनि कुंडली में खराब बैठे हुए हैं, अब खराब कैसे बैठे होंगे, मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में पहले भाव में, पाँचवें भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या ग्यारहवें भाव में राहु बैठे हैं तो ये खराब हैं, और शनि पहले भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में या छठे भाव में बैठे हैं तो ये खराब हैं। अब ऐसे केस में आप समझ जाओ कि आपको अकड़ के नहीं, आपको झुक के रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, यानी कि आपकी नज़रें ज़मीन पर रहें, आसमान की तरफ ना रहें, वरना आसमान से गिराने में
और जमीन पर पटकने में शनि और राहु देर नहीं लगाते हैं। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ, आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। चलिए दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? थोड़ी कड़वी थी पर सच्ची है। थोड़ा सा आपको ये जीवन में अपनानी पड़ेगी, अपनाइए और प्यार करिए, इस ब्रश से प्यार करिए, अपनी टॉयलेट क्लीनिंग, अपनी हाइजीनिक, इन चीज़ों को मेंटेन करिए। देखिए किस तरह से आपके जीवन में परेशानियाँ, ये ब्रश नहीं आपके जीवन में बैट बनकर आएगा, इस तरह से आपकी परेशानियों को छक्का मार के अपने जीवन से दूर कर देगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।